डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। क्या दिया? Zn प्लस टू ऑब्लिक Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट, Na प्लस ऑब्लिक Na इक्वल टू -2.71 वोल्ट। फिर क्या दिया? Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg इक्वल टू -2.36 वोल्ट, और फिर दिया K प्लस ऑब्लिक K इक्वल टू -2.93 वोल्ट। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो देखिए, ऑप्शन दिया है, पोटेशियम है, जिंक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। मेरे हिसाब से आपने आंसर सोच लिया होगा। चलिए हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको याद आ रहा है तो आप ये कहते हो कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से अगर हम देखें तो लिथियम जो है वो कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और क्यों है? मैंने कहा भाई क्यों है, तो आपने कहा सर इसका सबसे कम SRP है, यानी कि इसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कैसा है? वो लो है। लो का मतलब क्या है कि हाईली निगेटिव है, ठीक है ना। और ये वैल्यू जो आती है -3.05 वोल्ट आती है, ठीक है ना। तो अब मैंने कहा भाई ऐसा है, इसका मतलब है कि जिसका निगेटिव ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो ये सारी की सारी रिएक्शन जो हैं वो कैसी? रिडक्शन की हैं। ये सारी की सारी रिएक्शन रिडक्शन की। Zn प्लस टू चेंज हो रहा है किसमें? Zn में। तो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, यहाँ पर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर जीरो, क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस हो गया तो रिडक्शन हो गया, बात समझ आई ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हर जगह रिडक्शन की प्रोसेस हो रही। इसका मतलब कि ये जो डेटा आपको दिया गया, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा दिया गया है, सही। अच्छा, अब जिसका मैंने कहा कि भाई जिसका हाईली निगेटिव होता है, यानी कि लो SRP होता है, वो काहे लिए होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मेटल काहे लिए होता है? तो भाई वो इसलिए होता है कि अगर जिसका SRP लो है तो इसकी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने की टेंडेंसी जो होगी बहुत ही ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से ये आसानी से किसी को भी जाके रिड्यूस कर देगा और स्ट्रॉन्गनेस अपने नाम लिखवा लेगा, बात समझ आई ना। तो बस भाई ठीक है, अब आप SRP की वैल्यू देख लो, किसका सबसे लो SRP है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सबसे लो SRP जो है वो इसका है, पोटेशियम का। पोटेशियम की हाई नेगेटिव वैल्यू है, लो SRP। आप कहोगे सर कैसे देखें? तो भाई आप हाई नेगेटिव वैल्यू को देखिए,
ठीक है ना, हाई नेगेटिव वैल्यू को आप देखिए तो हाई नेगेटिव वैल्यू आप समझ रहे हैं कि -0.76 है, -2.71 है, -2.36 है और -2.93 है। हाई नेगेटिव वैल्यू आपको समझ में आ रही है, -2.93, यानी पोटेशियम जो होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।